दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अकेडमी पे। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं यार, इंडियन काउंसलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून के बारे में, ठीक है। तो गाइज जो है, जो ICFRE जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पे देहरादून, इसमें जो है कुछ रिक्रूटमेंट निकली है। तो जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट इसमें निकली है और डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होगी, इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे यहाँ पे जो जॉब है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या मांगा हुआ है, पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइज बात करें, देखिए इंडियन काउंसलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, पोस्ट ऑफिस न्यू फॉरेस्ट देहरादून, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर टेम्परेली पोजिशंस अंडर फॉलोइंग कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इन द EM डिवीजन प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विल बी हेल्ड ऑन 6 दिसंबर 2021 इन द ऑफिस चैम्बर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ICFRE, ठीक है। तो नेम ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम क्या है और नेम एंड नंबर ऑफ वैकेंसी एंड ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग, तो ये बाद में देख लेंगे हम, पहले वैकेंसी देख लेते हैं जो मेन है, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, 2 वैकेंसी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 40,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस में देखिए, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री मांगा हुआ विद 5 ईयर एक्सपीरियंस और PhD इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी हैविंग मोर देन 3 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट फील्ड्स इन द केस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये चलेगा, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस और PhD इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस हैविंग मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट फील्ड, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, तो यहाँ पे देखिए जिसने फील्ड में काम किया होगा, ठीक है, रिसर्च वगैरह जो भी है उसको यहाँ पे ज़्यादा वो देंगे, ठीक है, परफॉर्म जो है ज़्यादा उसको वो करेंगे। नेक्स्ट दूसरी पोस्ट है, देखिए ये है सीनियर प्रोजेक्ट फेलो की, ठीक है। तो इसमें भी 3 पोस्ट हैं, यहाँ पे जो सैलरी है वो 23,000 है प्लस HRA मिलने वाला है आपको। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री मांगा हुआ है इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी या फिर बॉटनी से, और हैविंग 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है, फील्ड से जो रिलीवेंट फील्ड है, ठीक है। सेम है यहाँ पे भी, जो एक्सपीरियंस वाले को थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा वो देंगे, या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस से और 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड या फिर ये नहीं है तो ये भी चलेगा, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री और या फिर BTech इन जियो इन्फॉर्मेशन या GIS या रिमोट सेंसिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। एज एंड एज की बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो एज अपर एज लिमिट इन्होंने जो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 ईयर्स लिखा है और 32 ईयर्स रखा है, किसके लिए 32 ईयर्स रखा है, सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए, ठीक है। बाकी जो एज रिलेक्शंस लगता है कैटेगरी वाइज वो आपका लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जिसको जाना है यहाँ पे, तो इनको क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको एक स्कैन कॉपी ऑफ दियर रिज्यूम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज अवेलेबल ऑन ICFRE वेबसाइट विच सेल प्रोटेस्टेड ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड रिसेंस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट विद दियर साइन एप्लीकेशन थ्रू ईमेल, ओके। तो 1 दिसंबर से पहले पहले आपको इस पर मेल कर देना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना बायोडाटा सारा इस पर मेल करना है, ठीक है। और ठीक है, तो एक लास्ट डेट भी इन्होंने 1 दिसंबर रखी हुई है, 1 दिसंबर 2021 इन्होंने लास्ट डेट रखी है। तो गाइज अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, और जैसा कि क्वालिफिकेशंस मैंने बता दिया है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है MSc के साथ में या PhD डिग्री, ठीक है। तो ये जारी कोई सारी की सारी पोस्टें हैं देहरादून में है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है।